congratulations. Now all of you are in class 7th. Now students, today I give you the introduction of your mathematics books. So listen it very carefully that what content you read in this year in your math subject and how you take care of your books and how you maintain your book and notebooks. So listen it very carefully what I tell you. जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसे आपको फॉलो भी करना है. तो जैसा कि अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, मैंने आपको बधाई दी कि आप क्लास 7th में पहुंच चुके हैं और क्लास 7th में पहुंचने के बाद आपकी मैथ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको यहां पर दे रही हूं. तो जैसा आप देख रहे हो, ये है आपकी मैथ्स बुक क्लास 7th फ्रॉम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल. सो फर्स्ट वी सी द कंटेंट ऑफ अवर बुक कि क्या हमें पढ़ना है इस ईयर, हम क्या पढ़ेंगे. Now the chapter number 1 is integers, chapter 2 is fractions and decimals, chapter 3 data handling, chapter 4 simple equations, chapter 5 lines and angles, chapter 6 the triangle and its properties, chapter 7 congruence of triangles, chapter 8 comparing quantities, Chapter 9, Rational Numbers, Chapter 10, Practical Geometry, Chapter 11, Perimeter and Area, Chapter 12, Algebraic Expressions, Chapter 13, Exponents and Powers, Chapter number 14 is Symmetry, and Chapter 15 is Visualizing Solid Shapes. So students, here there are total number of chapters are 15. Means इस ईयर हम 15 चैप्टर्स पढ़ेंगे और ये है हमारा कंटेंट. सो स्टूडेंट्स, हियर आई गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ योर मैथ्स बुक एंड द कंटेंट ऑफ दिस बुक. नाउ द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू मेंटेन योर बुक्स एंड नोटबुक. सो एज हियर यू सी दैट दिस इज द मैथ्स बुक. जैसा आप देख रहे हो, ये मैथ्स बुक है. तो अब ये बुक है, इसे सबसे पहला हमारा वर्क होना चाहिए कि हम अपनी बुक को बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे से सुरक्षित करके रखें. तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर हमें अपनी बुक में इस तरह से कवर करके रखना है. जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक सैंपल बुक है. तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और फिर यहां पर आप पेस्ट करेंगे नेम स्लिप को, जहां पर आप मेंशन करेंगे आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट बुक इज दिस, योर क्लास एंड नेम ऑफ योर स्कूल. एज यू ऑल नो, जैसा आप सब जानते हैं कि इस ईयर आपने कॉपीज पर भी मार्क्स थे आपके एग्जाम्स में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत लापरवाही दिखाई और उन्होंने अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं की, मेंटेन नहीं की, तो जिससे उनके जो मार्क्स थे वो कम हुए हैं. सो लास्ट ईयर में जो गलती हमने की है उसे हमें रिपीट नहीं करना है. हमें बहुत सारे नई चीज़ें जो हैं वो इस साल सीखनी है और उन्हें करना है. तो ये हो गई बुक की बात स्टूडेंट्स. सेम आपके बुक लिस्ट में आ चुका है कि आपको मैथ्स के लिए रजिस्टर बनाना है, एक बिग रजिस्टर, हाउ मेनी पेजेस, वो सारे चीज़ें मेंशन है उसमें कि आपको कितने पेज का रजिस्टर बनाना है. तो रजिस्टर लेंगे, अभी ये मेरे पास रजिस्टर नहीं है, ये कॉपी है सैंपल के लिए आपको, कि आपको किस तरह से उसको भी कंप्लीट करना है. तो आप रजिस्टर को पूरे बहुत अच्छे से इस तरह से कवर करेंगे और उसमें नेम स्लिप जो है आप उसको पेस्ट करेंगे. सेम सारी एंट्रीज आप यहां पर भी फिल करेंगे, योर नेम, योर सब्जेक्ट, योर क्लास एंड देन योर स्कूल. इसके बाद स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडेक्स नहीं बनाते. तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपको एक ब्रीफ समरी देनी होती है अपने नोटबुक के कंटेंट की, कि आपने कौन सा लेसन किस दिन कंप्लीट किया या किस दिन स्टार्ट हुआ वो लेसन, उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो आपको रिमार्क करता है. तो यहां पर आपको इंडेक्स भरना कंपलसरी है. तो इंडेक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से कि यहां पर 5 कॉलम्स होते हैं, सीरियल नंबर, डेट, टाइटल, पेज नंबर, देन टीचर साइन एंड रिमार्क. तो सीरियल नंबर में स्टूडेंट्स आपका लेसन का नंबर जाएगा कि आप कौन सा लेसन कर रहे हैं, देन डेट किस दिन वो लेसन आपका स्टार्ट हुआ. आफ्टर दैट यू राइट द नेम ऑफ योर लेसन, आपको वहां पर अपने लेसन या चैप्टर का नाम लिखना है.
देन विच पेज दिस लेसन इज स्टार्टेड, किस पेज से लेसन स्टार्ट हुआ है, वहां पर ये पेज नंबर मेंशन होगा. एंड लास्ट ये जो कॉलम है ये आपके टीचर के लिए है, जब आप अपनी कॉपीज को कंप्लीट करके स्कूल भेजेंगे तब उस समय पर जो टीचर है आपके वो आपकी कॉपी को चेक करके यहाँ पर रिमार्क देंगे, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, सो यू गेट एक्सीलेंट रिमार्क, वेरी गुड रिमार्क, गुड रिमार्क. तो इसकी ये टीचर के लिए कॉलम है कि वो आपके लेसन्स को कंप्लीट कर, जो आप कंप्लीट करके भेजेंगे उसे चेक करके यहाँ पर अपना सिग्नेचर और रिमार्क देगा. सो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टूड how to maintain our books and notebooks and what are the content of our this year maths subject. So I hope all of you do as I tell you. So it's time to bye.